नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में इकोनॉमी के संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सूची साझा करने का आग्रह किया गया था। इसी को ध्यान में रखकर हमने आज BPSC के द्वारा जो नया पैटर्न यानी 60 से 62 से लागू हुआ है उसमें जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसके अध्ययन करने के बाद तथा इस साल जो हॉट टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उन दोनों चीज़ों को कंपाइल करने के बाद एक सूची तैयार की है कि इस बार BPSC जो 64वीं BPSC 12 जुलाई से शुरू होने वाली है उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन क्षेत्रों से बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे ऑलरेडी अवगत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति दिखला देता हूँ। जो पहली बार मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उनको बता दूं कि कुल 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। सेकंड पेपर में कुल 3 खंड होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। समानतः सेक्शन 1 में 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके पास चॉइस अधिक हो जाती है। सेकेंड सेक्शन में भी ज़्यादातर उम्मीद 4 प्रश्न की होती है। अगर 5 प्रश्न दे दिया जाता है तो आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा। और थर्ड सेक्शन में आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से सेक्शन 1 में से 3 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है, सेक्शन 2 से भी 3 प्रश्न का उत्तर देने अनिवार्य होते हैं और सेक्शन 3 से 2 प्रश्नों का उत्तर देने कंपलसरी होता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जो प्रश्न होते हैं वो 38 मार्क्स के होते हैं, 38 अंक के होते हैं और जो पेपर सेक्शन 3 के जो अंक होते हैं प्रत्येक प्रश्न के 36 अंक होते हैं। तो उन्होंने जो कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा था पिछली बार 63वीं BPSC में, वर्तमान में भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें, साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। तो आपने देखा कि जो प्रश्न की प्रकृति है वो बिल्कुल क्या है, फैली हुई है। आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है लिखने को, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी सरकारी योजनाओं की लिस्ट है और कृषि से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का जिक्र आप बिंदुवार तरीके से अगर जितने ही ज़्यादा डायमेंशन खोलकर करेंगे उतने ही अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन पूछा गया है वो गरीबी पे पूछा गया है। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बिहार में एक प्रश्न 3-4 प्रश्न में से एक प्रश्न जो होता है वो आर्थिक भूगोल से होता है, यानी कि कुछ आधा पोर्शन उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है और आधी पोर्शन भूगोल से जुड़ी हुई होती है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं जो 60-62 में पूछा गया था। भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। चलिए तो एग्रीकल्चर सेक्शन में आपको इस बार क्या क्या देखना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, यानी कि आप ओवरव्यू के रूप में सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस तरीके से महत्वपूर्ण है, GDP में क्या योगदान है, रोजगार सेक्टर में क्या योगदान है, खाद्यान्न के उत्पादन में, गरीबी उन्मूलन में इसका क्या योगदान है। तो आप सारे पहलुओं की इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद तृतीय कृषि रोड मैप जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। और जैविक कृषि के संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला जा चुका है और तृतीय कृषि रोड मैप भी हमने कवर कर रखा है। बिहार की अर्थव्यवस्था एवं कृषि, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, बिहार में कृषि से जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं उससे भी आप अवगत हों, जैसे कि बिहार में छोटे छोटे किसान ज़्यादा हैं, भूमि किसानों के पास कम है, सामंतिक जो छोटे किसान हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरी बात क्या है कि बिहार की कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है, सूखा से प्रभावित रहता है एक क्षेत्र जबकि दूसरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, उन्नत किस्म की बीज की समस्या है। तो इस तरीके चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं। जो ब्लू इकोनॉमी है उसको आप एग्रीकल्चर से रिलेट करके मत्स्य पालन में किस तरह से उपयोगी होगा, पर्यावरण परिवर्तन है उसके लिए किस तरीके से उसको कम करने में उपयोगी होगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
किसानों की आय दुगनी करने हेतु सरकारी प्रयास। आपको पता होना चाहिए मोदी जी जो नई गवर्नमेंट है उसका एक मेन प्रोजेक्ट है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करनी है। इसके लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, कृषि रोड मैप में इसके लिए क्या क्या प्रावधान हैं, तो इन सारे पहलुओं को आप इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट ईयर का आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसे आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें एक बार इन्होंने नया टॉपिक जोड़ रहा है क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। और आपसे आग्रह है कि आप बिहार सरकार के द्वारा जो 18 और 19 का आर्थिक सर्वे जो जारी किया गया है उसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसका एक बार ओवरव्यू जरूर कर लेंगे। जब भी आप अर्थव्यवस्था के संबंधित में प्रश्न लिखेंगे और आप जब उसे कोट करेंगे, रेफर करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है, तो उससे आपके अंक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षीय शैक्षणिक योजना चलाई गई है। इसके बारे में आपको अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो इंग्लिश में इनसाइट पे, और हिंदी में अगर कंटेंट चाहते हैं तो विजन का जो मीन्स 365 डॉक्यूमेंट आता है जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसे आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्लानिंग के सेक्टर में आते हैं तो आप नीति आयोग को एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि नीति आयोग और उसके जो इनिशिएटिव चलाए गए हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित उससे जोड़कर एक प्रश्न पूछे जाने की इस बार काफ़ी अधिक संभावना है। एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है अभिनव भारत @75, इसकी एक वीडियो भी हमने आज अपलोड की है। तो आप इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे टोटल 41 अध्याय हैं, इसमें 4 सेक्टर में चीज़ों को बांटा गया है, तो इनका हमने विस्तार से जिक्र किया है उस वीडियो में। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो आई है उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और 15वें वित्त आयोग के बारे में अगर कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो तो उसे भी आप एक बार देख लेंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो NPA की समस्या बैंकों के सामने अभी सबसे गंभीर समस्या है। इसके समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे कि अभी 7 जून को RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि NPA को लेकर जितने भी पुराने मेजर्स थे उन्हें समाप्त करके एक नई सर्कुलर जारी की गई है। तो नए सर्कुलर में जो प्रावधान है आप उसे एक बार देख लेंगे, ऐसा ना हो कि आप पुराने ही प्रावधान का केवल जिक्र करें। आप पुराने प्रावधान के साथ ये जिक्र करेंगे कि RBI ने जून माह में ही नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें प्रावधानों में परिवर्तन किए गए और नए प्रावधान ये और भी चीज़ें हैं जिससे आप जिक्र कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया गया है, जो बैंक्स थे छोटे छोटे उनको मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जा रहा है, जैसे अभी BOB विजया बैंक, देना बैंक, इनको BOB मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया, महिला बैंक और जो SBI की सब्सिडीज थे उसे मिलाकर भी एक बड़ा बैंक का गठन किया गया। फिर नई PNB के साथ भी कुछ बैंकों का विलय करके एक बड़ा बैंक बनाने की योजना चल रही है, तो आप इस चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद समावेशी विकास, तो समावेशी विकास में आप हर सेक्शन को जोड़ें, जैसे आर्थिक समावेशन के लिए क्या किया जा रहा है, सामाजिक समावेशन के लिए क्या किया जा रहा है, पिछड़े जिलों के लिए क्या किया जा रहा है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए क्या किया जा रहा है, महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, बच्चों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं, विकलांगों के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, आप सारे डायमेंशन को इसमें कवर करें। इसके बाद ई-कॉमर्स उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ, संभावनाएँ तथा इस संबंध में बनाई गई नीतियाँ, ई-कॉमर्स नीति लाई गई है उसके आप प्रमुख प्रावधान देख लेंगे। बेरोजगारी की समस्या, अभी एक डेटा जारी किया गया है बेरोजगारी को लेकर, तो उसमें बिहार में बेरोजगारी की स्थिति क्या है उसके आप आंकड़े का एक बार टेबल बना लें। जो बिहार की आर्थिक सर्वे है उससे बेरोजगारी के आंकड़े जुटा लें, ताकि जब आप प्रश्न का उत्तर लिखें तो इन आंकड़ों का जिक्र उसमें कर सकें। नेक्स्ट है हमारा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4th औद्योगिक नीति की जगह पे आप क्रांति कर लेंगे, गलती से यहाँ पे लिखा गया है। तो जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इस बार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है डिजिटल अर्थव्यवस्था। चूंकि देखिए बिहार
लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में ओवरव्यू के रूप में सारे डायमेंशन को कवर करें। डिजिटल इंडिया पर एक योजना का प्रकाशन किया गया है, उसका लगभग 3 से 4 आर्टिकल, उसमें अच्छे आर्टिकल हैं, उसे आप पढ़ लेंगे। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, इन दोनों प्रभावों को आप बिंदुवार तरीके से याद कर लें। 10-12 नकारात्मक प्रभाव और 10-12 सकारात्मक प्रभाव और 6-7 नकारात्मक प्रभाव, और कुछ इकोनॉमी सर्वे से आप आंकड़े ले लें। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य, इसे आप जरूर याद कर लें, जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं और 169 एम्स हैं, इन दोनों को आप याद कर लें, क्योंकि ये आपको इकोनॉमी में भी काम करेगा और ज्योग्राफी में भी, अगर कुछ सेक्शन है वहाँ भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं। जनवरी माह की जो योजना आई थी नवाचार से संबंधित, उसमें कृषि का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, उसे आप जरूर पढ़ लें। उस आर्टिकल का जो शीर्षक है, कृषि क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकी नवाचार से किसान कल्याण, MS स्वामीनाथन की आर्टिकल है। इसमें लगभग कृषि से संबंधित सारे क्षेत्रों को कवर किया गया है, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। इसके बाद बुनियादी ढांचा से संबंधित फरवरी 2019 में योजना आई है, इसमें भी कुछ अच्छे आर्टिकल हैं, उन्हें भी पढ़ लें आप। और जो लास्ट ईयर का केंद्रीय बजट 2018-19 में कृषि से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं, जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई है, इसे भी आप एक बार देख लेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए कंपाइल करके उस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो 10 मिनट का अपलोड कर दिया जाए। लगभग हमने प्रयास किया है कि जितने भी न्यूज में टॉपिक चल रहे हैं, उन सबको कंपाइल करके आपके लिए एक इस फॉर्म में लाया जाए, ताकि आप बिंदुवार तरीके से कम आपको 10 बिंदु याद रहें, ताकि आप परीक्षा भवन में ब्लैंक ना हो, कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे लिखने की स्थिति में हों। धन्यवाद।